हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी देखेंगे खुशी की ईद, एक बंगाली सॉन्ग है, काबुलीवाला सिनेमार गान, এটা মিঠুন চক্রবর্তী আবির। এবং কাবুলিওয়ালা অ্যাকচুয়ালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা গল্প অবলম্বনে, এবং এর যে টেলারটা এসেছে সেটা দারুণ, অসম, মাইন্ড ব্লোয়িং টেলার। অ্যান্ড মিঠুন চক্রবর্তী যে পারফরমেন্স দিয়েছে সেটা সত্যিই দেখার মতো, এবং এই বয়সে উনি আবার প্রমাণ করেছেন যে উনি এখনো আছেন, এবং অ্যাক্টিং এ উনি মানে উনি এক প্রকার সেরা, সেই হিসাবে উনি দেখিয়েছেন। তো চলো এই গানটা দেখে নিই, এই গানটা কি আছে। জাভেদ আলী গেয়েছে। हिंदू और मुस्लिम का जो एक यूनिटी को लेके ये गाना बनाया है, एंड हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ में बांधने के लिए ये गाना बहुत काफी है। एंड ऑफ कोर्स हिंदी एंड बंगाली का मिक्सचर में ये गाना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली इस मूवी को ऑल ओवर इंडिया के लिए टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ये एज ए मतलब एक्टिंग वाइज फिर क्रिटिक वाइज ये मूवी एक बहुत हाई लेवल पे जाएगा, क्योंकि मिठुन चक्रवर्ती का एक्टिंग तो बहुत बढ़िया लग रहा है। साथ में वो जो लिटिल बच्चे का कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो भी बहुत
अच्छा टेलर में जितना देखा है बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और आबिर है, मतलब जितना सारे कैरेक्टर है सब एक से बढ़ के एक एक्टर एक्ट्रेस इसमें है। लेकिन SBF को हिंदी में भी इसको थोड़ा सा रिलीज करने का कोशिश करना चाहिए, एंड स्पेशली ये गाना जावेद अली एंड ईशान मित्रों ने बहुत बढ़िया गाया है, साथ में कंपोजिशन भी उतना ही बढ़िया है, एंड हिंदी का पार्ट वाज सरप्राइजिंग, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। सो हिंदी एंड बंगाली का मिक्सचर में जो गाना बनाया है एक अच्छा मैसेज दे रहा है, एंड जावेद अली अपना मास्टर क्लास दिखाते हुए ये गाना को बहुत अच्छे से गाया है। आई रियली लाइक दिस वन, एंड एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहिए गाना को। सो काबुलीवाला गाना रन ए लॉन्ग रन, इन सिंगल स्क्रीन में उतना नहीं चलेगा शायद, लेकिन मल्टीप्लेक्स में एक लंबा रन मिलेगा एंड बहुत अच्छा चलेगा ये मूवी, एंड क्रिटिकली एक्लेमेशन तो जरूर मिलेगा। सो इस वीडियो पे यहीं पे खत्म करते हैं, कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे गाइस, टिल देन बाय बाय।